first wheel followers. I'm Mandy. I'm working for Carlos. If you need one buy cars, follow me. Wow. तो ये थी मैंडी, ठीक है जी। अब मैंडी जो है, मैंडी करोला के पीछे पड़ गई है हाथ धो के। मैंडी को समझा दिया है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ से हमें चाहिए, और मैंडी ने एक यहाँ पे काइंड ऑफ टेक्नीशियन जो है उसके साथ डील की है। वो हमारी गाड़ी को चेक करेगा, इंस्पेक्ट करेगा और ओके की रिपोर्ट देगा, फिर हम इंशाल्लाह उस गाड़ी को भेजेंगे यूएई। ओके, अच्छा, यहाँ पे 4 दिन हो गए मुझे, आज चौथा दिन है, और अभी मैं जो है वो जा रहा हूँ, ये देखें आप, एक टाउन है, वहाँ पे भी एक काइंड ऑफ शोरूम कह लें आप है, वो उससे हमारी बात हुई है, और वो यहाँ पे गाड़ियाँ बाय करता है उन यूज़र से जो के बेचना चाह रहे होते हैं। तो हमने कुछ लाइन ऐसी सेट करने की कोशिश की है कि हम जो एंड यूज़र है उससे गाड़ी ख़रीद सके, या एंड यूज़र जिसको बेच रहा है उससे ख़रीद सके, ना कि हम प्योरली टैक्सी के ऊपर काम करें। क्योंकि टैक्सी का जो मैंने अभी तक नोट किया है, और मेरी जो 2-4 लोगों से बात की, और स्पेशली इसने जिस बंदे को हायर किया उससे मेरी बात हुई, तो उसने भी मुझे यही कहा कि जो टैक्सी है वो आप लोग नहीं बाय करोगे, ठीक है। टैक्सी अगर आप लोग बाय करोगे तो उसमें आपके क्लाइंट को, आपके बेशक एंड यूज़र है या जिसको भी आप बेचोगे, वहाँ पे आपको कंप्लेन आएगी, क्योंकि ये गाड़ी ऑलरेडी अपनी लाइफ पूरी कर चुकी है। तो हम इंशाल्लाह टैक्सी पे नहीं जा रहे हैं यहाँ पे, एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग फास्ट व्हील से कॉन्टैक्ट करते हैं और रब्ता करते हैं और कहते हैं कि जी हम एक दो गाड़ियों से बिज़नेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं तो ये ज़्यादा ट्रिप मेरा जो है ना ऐसे लोगों के लिए ही था। उसकी रीज़न ये है कि यूएसए से इंपोर्ट करना हमारे लिए तो मसला नहीं है, हम तो इंपोर्ट कर रहे हैं, 250-300 गाड़ी की हमारा सर्कुलेशन है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो चल रही है, लेकिन वहाँ से टाइम बहुत लगता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे 50 कंटेनर अगर आते हैं तो हमें फ़ील नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि हमारा हर एक दिन बाद, 2 दिन बाद, हफ्ते में 2-3 शिपमेंट्स आ रही होती हैं, लेकिन जिस बंदे की गाड़ी एक होगी, वो जब एक गाड़ी उठाएगा तो वो कैलेंडर के ऊपर हर रोज़ टिक करता रहेगा डेज़ को। तो इसका मतलब ये है कि उसको जो है वो पूरा टाइम चाहिए होगा, 3 महीने का, गाड़ी पहुँचेगी, फिर वो ध्यान लगा के बैठा होगा कि भाई गाड़ी जो है वो अब सेल कब होगी, कैसे होगी, ताकि गाड़ी जो है बिके और मेरा सर्कुलेशन जो है ना, मेरी सर्कुलेशन चलती रहे। तो बहरहाल इन सारी सिनेरियो के लिए मैंने ये प्लान किया था कि अगर करोला मिलती है तो करोला बहुत हॉट सेलिंग है। करोला आपको पता है जिस कंट्री से भी आप लोग बिलोंग करते हो, हर कंट्री में बहुत ज़्यादा चलने वाली गाड़ी है। तो इसलिए मैंने कहा मैं वर्किंग करूँ, जाता हूँ, देखता हूँ। हालाँकि यहाँ पर खाने पीने का बहुत मसला होता है। आज 50 किलोमीटर हम घूमे हैं जिस एरिए में हम थे, लेकिन कोई रेस्टोरेंट नहीं मिला। फिर फाइनली ये देखें, ये भाई फ्रूट लिया है और फ्रूट से गुजारा करने की जो है ना वो कोशिश की है आज। तो अभी तक सुबह का कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं मिला, सिर्फ फ्रूट अभी लिया है, तो उसी पे काम चल रहा है। लेकिन कोई नहीं, अल्लाह खैर करे, आप रिज़्क़ की तलाश में निकलते हो तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करता है। बहरहाल अब शॉर्ट बात यह है, मेरी जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो मेरी सजेशन ये है कि आप लोग अब हमसे कॉन्टेक्ट करें, हम आपको एक गाड़ी है, 2 गाड़ी है, 3 गाड़ी है प्री ऑर्डर करेंगे आपके लिए, आपको इंपोर्ट करके देंगे गाड़ी, चाइना से यूएई आएगी, सारा कुछ हम मैनेज करेंगे, हर चीज़ को हम मैनेज करेंगे, हमारे यार्ड पे आ जाएगी गाड़ी। अगर हमारे यार्ड पे रखनी होगी तो भी प्लान दे देंगे आपको, हमारे थ्रू बिकनी हुई तो भी प्लान दे देंगे, आपने खुद बेचनी है तो भी आपको प्लान मिल जाएगा। तो बहरहाल ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, जिसको मैं नहीं चाहता कि आप लोग लूज़ करो, और ना ये मैं चाहता हूँ कि जितने भी फास्ट व्हील के फॉलोअर्स हैं वो इसको लूज़ करें। तो इंशाल्लाह आप लोग कांटेक्ट करें, मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल दूंगा। 2-3 दिन का ट्रिप मेरा यहाँ पे रह गया है, लेकिन नंबर चल रहा है फास्ट व्हील का। आप पेज भी फॉलो करें, लाइक करें, और कोशिश करें कि अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें, चाहे एक गाड़ी से स्टार्ट करें, अल्लाह ताला ने उसमें अगर आपके लिए खैर रखी हुई तो और आ जाएंगे। हमने भी एक गाड़ी से स्टार्ट किया था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आज का जो स्टेटस है वो यार्ड के अंदर 60-70 गाड़ी खड़ी हुई है, 100-150 गाड़ी ऑन वे है, तो इसी तरह की सर्कुलेशन हमारी भी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।